सो आपका हमने आप लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। सो लॉज ऑफ मोशन में हमने आपका लास्ट लास्ट में फ्रिक्शन आपका डिस्कस किया था, ठीक है। फ्रिक्शन में हमने आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन आपका स्टडी किया था। ओके, सो नाउ अभी हम आपका पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, देखिए। सो ये मान लीजिए आपके पास ये टर्निंग रोड है, ये ऐसे ये टर्निंग रोड है, टर्निंग रोड है, बट ये लेवल रोड है, लेवल, ठीक है। सो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, जब आपका जो वन एंड होता है रोड का, वन एंड, जैसे कि मान लीजिए आपके ये ऐसी एक रोड है, ठीक है। सो इसका जब मैं वन एंड ऐसे टिल्ट करूँगा, आपका ऐसे बेंड कर दूंगा, सो ये जो आपका जो यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा, जैसे कि ये रोड थी आपकी, ये ओरिजोनटल रोड है, जब मैं इसका इसको ऐसे इंक्लाइन करूँगा, सो इंक्लाइन करूँगा तो ये आपका कुछ एंगल पे यहाँ पे इंक्लाइन होगा, थीटा एंगल पे इंक्लाइन होगा, मतलब इसका एक एंड जो होगा आपका ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये जो एंगल यहाँ पे बनता है इसी को हम बोलते हैं आपका बैंकिंग ऑफ ए रोड, ठीक है। सो ये ऐसे ये कर्व्ड रोड है, ठीक है, आपकी कर्व्ड रोड है, ऐसे जा रही है, तो इसका एक एंड अगर मैं ऐसे आपका एक एंड को कुछ हाइट पे अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ, ये कुछ हाइट पे आपकी, ठीक है, ग्राउंड लेवल से आपकी कुछ हाइट पे इसको ऐसे बेंड कर दो, सो मेनली आपकी रोड कुछ ऐसे हो जाएगी। देखिए ऐसे जैसे ये टर्न कर रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका एक लेवल आपका कुछ हाइट एच पे आ गया, ठीक है। सो और ये एंगल यहाँ पे आपका एंगल क्रिएट होगा थीटा, तो इसी को हम बोलते हैं आपका बैंकिंग ऑफ रोड। सो वैन जब आप यहाँ पे टर्न करोगे कोई भी गाड़ी, अगर आप ऐसे लेके जाओगे आपकी, जैसे कि मान लीजिए आपकी कार है, ऐसे कार है, so, जब इसको आप बेंड करोगे, सो यहाँ पे आपको कितनी वेलोसिटी आपको चाहिए, सेफेस्ट वेलोसिटी, जो आपकी सेफ वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी जब आप इसको टर्न करोगे, जब आप इसको टर्न करोगे तो आपकी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी आपको कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो हम आपके यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो मेनली यही आपके जब भी आपको कोई, जैसे कि आपकी लेवल रोड है ये आपकी, अब इसको मैं एक ऐसे इसको इंक्लाइन कर दूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड हो जाएगा, ठीक है। सो और ये टर्न जो रोड है आप, जैसे ये टर्न होगी उस वहीं पे आपका बैंक बनेगा, मतलब वहीं पे एक एंगल आपका थीटा बनेगा, ऐसे है ये लेवल रोड है, इसको ऐसे उठा दिया आपको, एक एंड मैंने ऐसे ऊपर उठा दिया, तो और यहाँ से आपकी कोई कोई व्हीकल आपकी आप ऐसे लेके जा रहे हो, ठीक है। जब इसको ऐसे लेके जाओगे तो आपकी यहाँ पे मिनिमम जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, जो आपकी सेफ वेलोसिटी चाहिए आपको इसको बेंड करने के लिए, वो कितनी चाहिए वो हमें आपकी फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना लेता हूँ। सो यहाँ पे ये आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी कितनी होगी आपकी। सो ये आपकी रोड है जो कि बैंक है, ठीक है, ऐसे उठी हुई है एंगल थीटा से, कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे, ये आपका ये जो एंगल है ये आपका बैंकिंग ऑफ रोड है, ये जो एंगल है थीटा, ओके। सो ये आपकी व्हीकल है यहाँ पे, अब इसको टर्न करना है, ठीक है, आपको ये स्ट्रेट पाथ में इसको मूव नहीं करना है, इसको क्या करना है आपको टर्न कराना है। सो टर्न कराना है तो आपको वेलोसिटी कितनी चाहिए यहाँ पे वो आपको फाइंड करनी है। तो जब मैं इसको ऐसे टर्न कराऊंगा, ये ऐसे टर्न होगा रोड में आपकी, ऐसे टर्न, सो यहाँ पे आपकी फोर्स कितनी लग रही है हम पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये आपका मान लीजिए कार है, सो ये कार की आपकी कुछ मास होगा, सो अगर मास होगा तो आपको यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी, ये फोर्स आपकी mg, सही है, जो आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी mg फोर्स, ये आपकी ड्यू टू इसके मास की वजह से, जो मास की वजह से जो यहाँ पे फोर्स लगेगी कितनी होगी आपकी mg। और ये आपका एंगल यहाँ पे थीटा है, तो आपको पता है इसको अगर मैं इंक्लाइन करूंगा तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा आपका, ये होगा mg cos थीटा, ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ये हमने पहले स्टडी किया, आपका पहले पढ़ा है। सो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होता है। सो ये जो फोर्स है ये आपकी फोर्स ड्यू टू मास है, और ये जो कार है आपकी कार इस रोड के ऊपर, इस रोड है जो आपकी बेंड, जो आपकी ना जो बैंक बैंक्ड की हुई रोड है जो आपकी, तो उस पर आपका कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, एम जी कॉस थीटा अप्लाई कर रही है। सो यहाँ पे आपका ये एक्शन हो गया, तो ये इसका अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन आर होगा, ये क्या होगा आपका रिएक्शन, ठीक है।
अब अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखिए कंपोनेंट कैसे बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये आपका एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। अगर ये कंपोनेंट अगर मैं बताऊँ तो ये कंपोनेंट होगा आपका आर, ये अगर आर है रिएक्शन तो ये होगा आपका कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और ये एम जी कॉस थीटा फोर्स है तो ये वाली फोर्स होगी आपकी, ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी है आपकी, ये आर कॉस थीटा है और ये होगी आपकी आर साइन थीटा, जो कि सेंटर की तरफ लग रही है। देखिए आपकी वेलोसिटी, आप जब आप मूव करोगे, आप ऐसे मूव कर रहे हो, आपकी वेलोसिटी इज, ये आपकी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन में आपकी ये लीनियर वेलोसिटी है। सो जब आप इसको बेंड करोगे तो ये जो आर साइन थीटा है, ये फोर्स इस सर्कल की, ये जो पूरा सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, जो रोड आपकी जो बेंड रोड है ऐसे बेंड की हुई है, सो ये जो फोर्स है आपकी, ये टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी। तो ये जो फोर्स होगी, ये फोर्स कौन सी होगी आपकी, ये फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, किसी भी बॉडी को अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराना है तो उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं आपके सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो आर साइन थीटा जो फोर्स है, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी, आर साइन थीटा, ठीक है, ओके। और जब आप इसको ऐसे मूव कराओगे तो यहाँ पे आपको जो टायर होंगे, जो इसके जो आपके जो व्हीकल के जो टायर होंगे, वो आपके इस रोड के सरफेस से कांटेक्ट में आएंगे, तो यहाँ पे आपकी फ्रिक्शन फोर्स भी डेवलप होगी। और आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होती है आपकी, ये जो सरफेस जहाँ पे जो कॉन्टैक्ट होता है ना, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जो आपका कॉन्टैक्ट सरफेस होता है वहीं पे आपकी फ्रिक्शन डेवलप होती है। सो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आपकी एफ आर भी यहाँ पे डेवलप हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ओके। अब अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स के यहाँ पे इसको रिजोल्व करूँ, सो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ये दो आपकी पैरेलल है ना, ये आर साइन थीटा और ये आपका पैरेलल है, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। सो ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रही है, तो इसका जो कंपोनेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये कंपोनेंट कुछ ऐसे होगा। सो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा इसका, यही कंपोनेंट अलॉन्ग दी आर साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ आर कॉस थीटा, और इसका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा इसी का एफ आर का, ये हो जाएगा आपका एफ आर साइन थीटा, ओके। सो यहाँ पे देखिए आपकी आर साइन थीटा और जो एफ आर कॉस थीटा, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन अगर डेवलप हुआ, देखिए मैं यहाँ पे मैंने आपको फ्रिक्शन पहले पढ़ा दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को इंक्लूड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आर साइन थीटा और जो एफ आर कॉस थीटा, ये आपकी टुवर्ड्स दिस सेंटर लग रही है, पूरे सर्कल आगे से पूरा सर्कल टुवर्ड्स दिस सेंटर लग रही है, और यही फोर्स इसको टर्न करने में हेल्प करेगी, इस व्हीकल को टर्न करने में, ये जो फोर्स है आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा, ये जो फोर्स है यही आपकी इसको टर्न करने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर इसको, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूँ, तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे जो बनेगा आपका, ये बनेगा आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा, ये टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है और ये किसके इक्वल है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, यही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, आर, ठीक है, स्मॉल आर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, स्मॉल आर जो है आपका ये रेडियस होगा, इस पूरी जो कर्व्ड पाथ है ना, ये पूरा जो सर्कल यहाँ पे जो कंप्लीट सर्कल बनेगा, उसका जो रेडियस होगा ये आर, स्मॉल आर है, और कैपिटल आर जो है आपका ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा आप, आर जो कैपिटल आर है वो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है, और स्मॉल आर जो है आपकी वो रेडियस ऑफ दी जो पाथ है, रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे जो आपका बनेगा, ठीक है। सो पहला इक्वेशन यहाँ पे ये बना आपका, आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके। उसके बाद देखिए ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो आपकी टुवर्ड्स द सेंटर लग रही थी, और देखिए ये वर्टिकल फोर्स देखिए कौन कौन सी, यहाँ पे ये आपकी एम जी डाउनवर्ड जो है प्लस एफ आर साइन थीटा इज इक्वल टू ये आपकी आर कॉस थीटा के इक्वल है, तो ये आपका यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनेगा, आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, और आपका सेकंड इक्वेशन एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और आपको पता है एफ जो होता है आपका, एफ आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो म्यू इंटू आर, ये फॉर्मूला भी आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था। सो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है वो आपका म्यू इंटू आर होता है, म्यू क्या होता है आपका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन और आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। सो यही इक्वेशन 1 और 2 में मैं आपका एफ आर की वैल्यू पुट करूंगा, और यहां से मैं ये वी जो है आपकी, वी मैं आपके फाइंड करूंगा। तो ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आर साइन थीटा प्लस
एफ आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा म्यू आर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर ओवर आर। आप यहाँ से आर कॉमन लेके ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर। ये इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए आप। और दूसरा इक्वेशन देखिए एम जी प्लस यहाँ पे आपका एफ आर की जगह पे मैं म्यू आर आपकी पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको लिखूंगा मैं आपका एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको यहाँ पे लिखा ये माइनस म्यू आर साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा डेरिवेशन है ये आपका, बस आपको बस ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको आप। सो यहाँ पे आर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, यहाँ से ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू एम जी। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब 3 और 4 को हम थोड़ा यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं जिससे कि आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाए और आप यहाँ से वी निकाल पाओ। ठीक है, सो अब देखिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करता हूँ, तो ये जो पार्ट होगा आपका इसको लिख लेते हैं आर ऑफ कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और दूसरा आपका आर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे आपका। ठीक है, ओके, अब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका आर ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू ये आपका एम वी स्क्वायर ओवर आर एम जी। सो एम जी एम जी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आर आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस माइनस म्यू साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका म्यू होगा ये म्यू, ठीक है, यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे म्यू आपको छोड़ दिया, आर कॉमन हो तो ये म्यू कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे भी ये आपका म्यू कॉस थीटा होगा। ठीक है, म्यू कॉस थीटा ये आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। ठीक है, बस ये सिंप्लीफिकेशन ही है आपका। सो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। सो यहाँ से इसको आप टैन में टैन थीटा के में कन्वर्ट कर लीजिए, तो साइन थीटा को आप कॉस थीटा से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस ये भी हो जाएगा आपका म्यू कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, इसको भी नीचे भी आप डिवाइड करोगे कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस म्यू, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। सो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस प्लस यहाँ पे आपका सिर्फ म्यू बचेगा। ठीक है, ये आपका म्यू होगा यहाँ पे, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका म्यू बचेगा, फिर कॉस थीटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वन माइनस म्यू टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस म्यू टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर ओवर आर जी। सो यहाँ से आपकी आर जी टेन थीटा प्लस म्यू वन माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर आ जाएगा। सो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करिए और आपका यहाँ पे वी आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट और ये वी कैंसिल, स्क्वायर और ये आपका वी कैंसिल, ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट ओवर आर जी म्यू प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस म्यू टेन थीटा। सो ये यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिससे कि आप ये कार को आप बॉडी को आप इस रोड पे, ये जो आपकी बैंक्ड रोड है ठीक है, इसका जो एक साइड जो है आपका ये उठा हुआ है ठीक, कुछ हाइट पे एच हाइट पे उठा हुआ है, जैसे कि ये एंगल थीटा यहाँ पे आपका बना है, तो इस रोड पे अगर आपको रोड पे अगर बेंड करना है किसी भी आपको व्हीकल को, सो आपकी मैक्सिमम जो सेफ वेलोसिटी होगी होगी वो होगी आपकी, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, तो किसके पर डिपेंड करेगी आपकी रेडियस, ठीक
रेडियस जो आपका सर्कुलर टर्न होगा ना, सर्कुलर जो टर्न होगा आपका, टर्न का जो रेडियस होगा, जी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और म्यू आपका वहां पे फ्रिक्शन, और थीटा आपका इसके ऊपर आपकी डिपेंड करेगी, ठीक है। ओके, सो यही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अगर आप यहाँ पे फ्रिक्शन अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूँ, तो ये आपकी ये वैल्यू, इफ म्यू अगर आपका जीरो, मान लीजिए यहाँ पे फ्रिक्शन आपका बहुत कम लग रहा है, मान लीजिए फ्रिक्शन आपका यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, सो म्यू अगर जीरो हो जाएगा, सो आपका जो वी मैक्स बन जाएगा वो आपकी हो जाएगी रूट ओवर आर जी टैन थीटा, ये आपका हो जाएगा। म्यू आपका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो प्लस टेन थीटा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, सो ये हो जाएगा आपका आर जी टेन थीटा ओवर वन माइनस म्यू आपका यहाँ पे जीरो को, तो ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा, सो यहाँ से ये वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। ओके, सो यही था आपका मैक्सिमम वेलोसिटी। थैंक यू।